नेताजी, आदरणीय नेताजी मंच पर उपस्थित, यहां पर यहां के विधायक, सोबरन सिंह यादव जी, पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव जी, पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, एमएलसी अरविंद प्रताप, यहां के चुनाव के प्रभारी आजमगढ़ के नेता पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती रमा साखी जी, देवेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे और समाजवादी पार्टी के महासचिव और प्रस्तावक राम नारायण बाथम जी, देवेंद्र सिंह जी यहां पर बड़ी संख्या में, असीम यादव जी, दयाराम प्रजापति जी, पूर्व विधायक अनिल जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो नेताजी के मंच पर हैं और दूसरे मंच पर भी जहां करहल बैनपुरी के सभी सम्मानित नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहने, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले नेताजी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने चार चांद लगाने का काम किया है और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की किसानों की लड़ाई को यहां तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाएं। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई।
मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं, और चुनाव में उनके साथ ना किसान है, ना नौजवान है, ना माताएं हैं, ना बहने हैं, ना बहने हैं, ना कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं। लेकिन जब जांच हुई, सच्चाई आई सामने, तो आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला उस पुड़िया में, कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, इस प्रदेश को हम तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब समाजवादी सरकार बने। समाजवादी सरकार बनेगी तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का इंतजाम होगा, और न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस सरकार ने नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरी छिन गई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। बताओ, किसानों की आय दोगुनी हुई? आपका रहल विधान